आज हम आपको चाटुकारिता के ऐसे ऐसे नमूने दिखाएंगे। रूबिका बिहेव योर सेल्फ, डू नॉट क्राई। इससे बड़ी चाटुकारिता क्या हो सकती है? ये अर्ज किया है, फूल है गुलाब का, टूटने नहीं दूंगा। और आज इन दलाल मीडिया वालों को ऐसा नचाऊंगा मोदी जी की कसम, एक मिनट के लिए भी इनको रुकने नहीं दूंगा। शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? गीत और संगीत आपको दिखाई देने वाले हैं क्योंकि जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। बीजेपी के वो तमाम कार्यकर्ता, ये देखिए अंकित इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। अंकित, आप भी बुलडोजर पर हैं क्या? आए आए मजे, कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। सर यहाँ ये तो सेक्स का अड्डा है, सेक्स का अड्डा, सेक्स का अड्डा है सर। तो वेलकम है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज अंधभक्त पे। आई बात पे चूके और अंधभक्तों के मुंह पे थूके। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो चैन से सोना है तो जागो, वरना अंधभक्तों के पिछवाड़े झाड़ू हिला के भागो। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम अंधभक्तों की और गोदी मीडिया वालों की रोस्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आज के वीडियो का इंट्रो ताऊ लगाएगा। ताऊ इंट्रो लगा। मैंने फेंका पानी, पानी गया सूख, मैंने फेंका पानी, पानी गया सूख, ऐसे गोदी मीडिया के। बीजेपी के जीत पर गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार बहुत खुश नजर आ रहे हैं, नाच भी रहे हैं, मुजरा भी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने पैसे को कोठे की तवायब से भी ज्यादा बदनाम किया है। आए, 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 मजे। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। जब मीडिया के पत्रकार किसी भी पार्टी की जीत पर नाचने लगे, मुजरा करने लगे, तो समझ लेना पत्रकारिता की कलम महंगे भाव में बिकी है। दलाल मीडिया क्यों ऐसा क्या इसमें? कंडम मांग रहे ना आप, इंडिया है, आपको पता नहीं हो गया था? तभी तो पूछ रही हूँ क्या होता है, बता दो यार। ड्रग्स जैसे मांगते हैं ना वैसे ही हैरान होंगे, वो आपने क्या मांगते? ड्रग्स तो नशा होता है, वो भी नशा ही होता है, भी एक नशा ही है। तुमने किया है जो है सरकार नहीं दे रही भर्ती, भर्ती नहीं दे रही, जो है वोट मत देंगे बीजेपी को। क्या वजह है? अरे हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी जाएगा। बाबा ये अच्छा। पत्रकारिता बिकती है करोड़ों में, जनता बिकती है 5 किलो अनाज और पकौड़ों में, और अंधभक्त बिकते हैं धर्म के नाम पे नफरत फैलाने में। यही उत्तर प्रदेश चुनाव की हकीकत है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं। मतलब ये जो महंगा होता रहा है पेट्रोल डीजल, ये अच्छा काम है? मतलब सर ये भी सस्ता होगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। अब सस्ता होगा मतलब एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई, 800% बढ़ गई, आपको पता है 7 साल में? नहीं ये तो मेरे को नहीं पता। शाबाश बेटा, बहुत महंगाई है। पेट्रोल नहीं, महंगाई कहीं नहीं है। शाबाश उत्तर प्रदेश के अंधभक्तों, तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। तुम्हारी हर एक रोटी घी से नहीं बल्कि खून से चुपड़ी हुई है, जो कि तुम्हारे बच्चे भी खा रहे हैं। सब बस साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इन महाशय को देख लीजिए, नाम संजय त्रिपाठी, काम बीजेपी की दलाली करना, खुद को पत्रकार कहना बिना रीढ़ की हड्डी वाले दलाल, पता नहीं किस मुंह से पत्रकार कहते हैं खुद को। सही पकड़े हैं। ये देख लीजिए, जिस नेता को जनता ने गांव में घुसने नहीं दिया, वो नेता भी भारी मातों से जीत गया। भाई साहब चुनाव आयोग मेहरबान, तो फिर भाई साहब गधा पहलवान। <सोरी ना। laughs>
पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला, गोदी मीडिया के एंकर मैं रोज झुकेगा साला, ये देख लीजिए। इसको देखने के बाद मुझे कुछ कहना रह गया है और कुछ बाकी रह गया है कहने के लिए, साला मैं रोज झुकेगा साला। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और धड़ाधड़ शेयर करें।